बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। फराह खान ने पूरे हो चुके हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुदेश वर्मा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कई नुकसान हुए हैं इन 3 सालों में, जो कैश में काम करते थे उनके बिजनेस ठप हो गए, काफी कुछ खोना पड़ा, तो इसको लेकर आपका क्या है? मैं आपके आंकलन से सहमत नहीं हूँ कि हमें काफी कुछ खोना पड़ा, क्योंकि देखिए आपको पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा चीज़ों को कि जब नोटबंदी हुई थी उसके पहले लोग क्या बोलते थे, लोग बोलते थे पैरेलल इकोनॉमी की बात करते थे कि ब्लैक इकोनॉमी जो है हमारे व्हाइट इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ा है, जिसके कारण क्या होता था, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बैंक के पास पैसे नहीं थे कि बैंक लोन दे सके लोगों को, क्योंकि सारा पैसा ब्लैक इकोनॉमी में आ गया था। तो नोटबंदी से क्या हुआ कि जो पैसा पैसा था वो पैसे को एक नाम मिल गया, एक धारक मिल गया किसके पास था। लोग बोलते हैं कि बैंक में जमा कर दिया सबने तो क्या, तो हम ये थोड़ी ना बोल रहे थे कि बैंक में नहीं जमा होगा, लेकिन जिसने भी जमा किया बैंक में ये तो पता लग गया पैसा किसका है, किसके पास है। और दूसरा कि जिसने भी जमा किया अगर अकाउंटेबल मनी था तो कोई बात नहीं, लेकिन अकाउंटेबल मनी अगर था तो इतना कैश कोई घर में रखेगा क्या, ये बताइए, करोड़ों करोड़ों रुपया कोई कैश रखता है घर में? कोई नहीं रखता। तो जिसने जमा किया उसने टैक्स पे किया, जो भी रूल के मुताबिक किया, तो इकोनॉमी में पैसा आ गया, बैंकों के पास पैसा आ गया जिससे बैंक लोन दे सके, जो पहले पॉसिबल नहीं था। और बहुत से लोग जो ब्लैक मनी में काम कर रहे थे, एक इंसेंटिव मिला कि अब ब्लैक मनी में आप काम नहीं कर सकते, तो आपको एक वाइट में काम करना शुरू हुआ। आपको क्या लगता है जो 2016 की फिगर थी और 2019 की फिगर, इसमें डिफरेंस है नोटबंदी के बाद? देखिए बात उसकी नहीं है, बात है कि हम किस ओर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन देखना बहुत ज़रूरी है, और डायरेक्शन सही है। आज भी लोग अगर ब्लैक मनी आप देखिए अगर कोई करता है तो रेड होगा, पकड़े जाएंगे लोग, आपको बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से लाए। बैंक से भी आप पैसे निकाल सकते हैं, सही पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको बताना पड़ेगा आप किस दिन निकाल रहे हैं। अगर आप 1 करोड़ बैंक से निकाल रहे हैं या तो आपके पास आप कैश में देते हैं लोगों को, तो हम तो चाहेंगे आप कैश मत पेमेंट करिए ना, अपने लेबर को भी आप, आजकल तो वो भी पेमेंट मांग रहे हैं डिजिटल बहुत से। मैं नहीं बात करना चाहता डिजिटल पेमेंट मोड का, मैं किसी को क्यों प्रमोट करूं, लेकिन बहुत से पेमेंट मोड आए हैं ना, आप सब्जी वाले के पास ये वो भी आपसे बोलता है नहीं इसमें पे कर दो, तो इसको इनक्रेज करने की आवश्यकता है। और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनको भी इसको इनक्रेज करना चाहिए, क्रिटिसाइज करने की जगह, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मोदी जी ने जो कदम लिया है बहुत कम लोग हिम्मत करता, हम सबको उनके साथ खड़े होकर अप्रिशिएट करते हुए लोगों को बताना चाहिए कि अब निज़ाम बदला है, सोचने का तरीका बदला है, और देश को अगर आगे ले जाना है, अगर हमें डेवलप्ड इकॉनमी बननी है, हम अमेरिका से कॉम्पीट करने की बात करते हैं, चाइना से कॉम्पीट करने की बात करते हैं, तो हमें ये सब तो पॉजिटिव चीज़ करने होंगे। तो ये थे हमारे साथ सुदेश वर्मा, जिनका साफ कहना था कि ये जो स्टेप है ये देश को आगे ले जाने के लिए स्टेप था, और कहीं ना कहीं स्टेप बहुत अच्छा था। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं फराह खान, आ9 TV दिल्ली।